भाई कुछ इस टाइप का इसका बॉक्स आएगा। अब यार एक चीज तुम नोटिस करो कि बॉक्स के ऊपर ना कोई भी ब्रांड का नाम लिखा हुआ नहीं है। अब देखो सीन क्या है भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये जो प्रोजेक्टर है ना, इस टाइप का सिमिलर प्रोजेक्टर आपको प्रोटोनिक्स का मिल जाएगा, जिसकी प्राइस यहाँ पे 6,500 रुपये। लाइफ लॉन्ग का भी आपको सिमिलर प्रोजेक्टर मिलेगा जो अगेंस्ट यहाँ पे 6,000 रुपये का। और एक दो कंपनी और इस सिमिलर टाइप के प्रोजेक्टर बनाती है जिनके रेट ना 6,000 से 7,000 रुपये रहती है भाई। लेकिन ये वाला जो प्रोजेक्टर है ना, ये सस्ता है, और वो इसलिए क्योंकि कोई भी ब्रांड का ये प्रोजेक्टर नहीं है। ये चाइना से डायरेक्टली इंपोर्ट हुआ है और कोई भी मतलब ब्रांड इसको सेल नहीं कर रहा है। लेकिन एक बात यहाँ पे ये भी पता होनी चाहिए कि ये जो भी प्रोटोनिक्स है, लाइफ लॉन्ग है ना, ये ब्रांड प्रीमियम चार्ज करते हैं यार। मुझे तो लगा था कि ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट अपने को देते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये महंगे देते हैं अपने को प्रोडक्ट, क्योंकि इसकी प्राइस जब आप सुनोगे ना, जब आपको पता चलेगा। तो बॉक्स को ओपन करने के बाद सबसे पहले अपने को मिलेगा यहाँ पे अपना प्रोजेक्टर, उसके अलावा एक छोटा सा पाउच जिसके अंदर वही सिंपल सा रिमोट अपने को दे रखा है, एक यूजर मैनुअल मिल जाएगी इस प्रोजेक्टर की, और आखिरी में पावर कोड अपने को मिलेगी इस प्रोजेक्टर को यूज करने के लिए। अब ये वाला जो प्रोजेक्टर है ना, कुछ इस टाइप की डिजाइन में अपने पास आ रहा है, क्योंकि देखिए ये वाले जो प्रोजेक्टर होते हैं ना, अगर आप इसको इस तरीके से सीधे एंगल पे चलाते हो तो सामने की तरफ प्रोजेक्ट स्क्रीन तो आपको दिखेगी सही, लेकिन आप चाहो ना तो इसको इस तरीके से सीधा करके सीलिंग के ऊपर भी यूज कर सकते हो। प्रोजेक्टर के ऊपर के साइड ये रिंग दे रखी लेंस को एडजस्ट करने के लिए, और पीछे की तरफ अपने को 3 वोल्ट के स्पीकर दे रखे, और इसके स्पीकर की क्वालिटी बहुत ज्यादा एवरेज है भाई, बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि आपको अच्छी खासी क्वालिटी दे देंगे। अब पीछे की तरफ अपने को एक पावर कोड का पोर्ट मिलेगा, ये अपना ऑन ऑफ का बटन है, HDMI पोर्ट मिलेगा, ये अपना 3.5mm का जैक है, और ये USB पोर्ट है, और ये इसका IR सेंसर का लाइट दे रखी है। अब इसका जो HDMI पोर्ट है ना, उसके जरिए आप फायर टीवी स्टिक या रियलमी स्टिक, इस टाइप के जो एंड्रॉइड टीवी स्टिक होती है ना, उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर क्योंकि मेरी जनता जो है वो फायर टीवी का यूज़र अच्छे खास है, तो तुम लोग फायर टीवी इसके अंदर यूज़ करते हो ना, तो एक छोटा सा डर ये है कि इसके पीछे वाला जो पार्ट है ना, ये एयर एग्जॉस्ट का काम करता है, जितनी भी गर्म हवा होती है वो यहीं से निकलती है, और फायर टीवी जस्ट इसके ऊपर लगा हुआ रहेगा ना, तो फायर टीवी आपका बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और हो सकता है कि शायद वो ख़राब भी हो जाए। तो ये एक पॉइंट था जो कि मैंने आपको बता दिया। अब इसको अपन यूज़ करके देख लेते हैं कि इसमें अपन को किस टाइप की क्वालिटी मिलती है। तो सबसे पहली बात कि इसके अंदर अपने को 2000 लूमियंस की पावर मिलती है, और इसी वजह से ना ये अच्छा खासा ब्राइट है। मैं ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि सुपर ब्राइट स्क्रीन है, क्योंकि जेडको के प्रोजेक्टर में अप्रोक्स 6,500 का ल्यूमेंस पावर था, इसके अंदर 2000 लूमियंस है, तो ये अच्छा खासा ब्राइट है। हाँ, जो टेक्स्ट होते हैं ना, वो अपने को क्लियर दिखते हैं, और अच्छी खासी डिटेलिंग अपने को दिख जाती है। अगर आप इसके अंदर क्रिकेट देखते हो, तो क्रिकेट के अंदर जो शार्पनेस होती है, जो डिटेलिंग होती है, वो आपको अच्छी मिलेगी। अगर आप उसी जगह पे मूवी देखते हो, शो देखते हो, टीवी चैनल देखते हो, तो एक्सपीरियंस ना अच्छा खासा अपने को मिल जाता है। उसके अलावा ना एक क्लियर इमेज अपने को मिल जाती है। तो आप इसके अंदर जिस भी टाइप का कंटेंट देखते हो, चाहे वो मूवी हो, गेम खेलना हो, या मोबाइल की स्क्रीन को कास्ट करना हो, ये सारे काम आप कर पाओगे, लेकिन 720p में, क्योंकि ये वाला जो प्रोजेक्टर है ना, ये 720p को ही सपोर्ट करता है। आप चाहो ना तो इसके अंदर 1080p की मूवी को भी चला सकते हो, लेकिन जो नेटिव सपोर्ट होता है ना, वो 720p का है। और अगर मैं ये सारे गेमिंग वर्ल्ड को साइड में करूँ ना, तो ये प्रोजेक्टर 720p वाला ही है, हायर रेजुलेशन को ये सिर्फ सपोर्ट करेगा, लेकिन प्रोजेक्ट नहीं करेगा, इस बात को ध्यान रखना, ये सिर्फ मार्केट के गेमिंग वर्ल्ड है। और हाँ, यार जो प्रोजेक्टर है ना, ये मिनिमम 24 इंच से लेके 120 इंच की स्क्रीन को यहाँ पे सपोर्ट करता है। अब मैंने आपको ना वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये वाला जो प्रोजेक्टर है, ये एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है, और इसके अंदर अपने को एंड्रॉइड 11 मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा स्लो है, सच बता रहा हूँ। पहली बात कि इसके अंदर जो अपने को एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है ना भाई, मेरा यकीन मानो वो किसी भी काम का नहीं है, वो बहुत ज़्यादा स्लो है। कहने के लिए तो इसके अंदर देखो 1GB की रैम है, 8GB की इंटरनल मेमोरी मिल रही है, ब्लूटूथ 5.0 भी है, और वाईफाई 5GHz कोई भी सपोर्ट करता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा लेग होता है ना कि इसके अंदर कोई एप्लीकेशन सही से चली नहीं पाती। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप मेरी बात मान के इसको खरीद लो और कल से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम काम ही नहीं करे, तो फिर आपका पैसा तो वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि ये प्रोजेक्टर है तो तगड़ा, लेकिन इसका ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी काम का नहीं है। मतलब इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो अपने को प्ले स्टोर मिलता है ना, वैसे वो अनऑफिशियल वाला है, उसके अंदर एप्लीकेशन ही डाउनलोड नहीं हो पाती है यार। हाँ, अगर आपको सेटिंग वेटिंग यहाँ पे चेंज करनी हुई, तो सेटिंग के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट मेन्यू होते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट साइज को कम ज्यादा करना, टिल्ट एडजस्टमेंट, रोटेट डिवाइस, ये सारे जो इंपॉर्टेंट और एसेंशियल ऑप्शन होते हैं, ये तो इसकी सेटिंग में अपने को मिल जाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा और कोई भी काम अपन इसमें कर नहीं सकते। इनफैक्ट इसके अंदर अपने को ना क्रोमकास्ट भी मिलता है, लेकिन उसको चलाने के लिए आपको एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती है, जो कि QR कोड के जरिए अपने को करनी पड़ती है, और भाई मैंने तो वो करी नहीं है, क्योंकि पता नहीं चलो कौन सी चाइनीज वेबसाइट ओपन हो गई थी,
पता चले कि एप्लीकेशन डाउनलोड करने के साथ साथ वायरस भी आ गए। तो मैंने तो भाई बिल्कुल भी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करा, और मैं तो आपको ये भी रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इसको खरीदते हो ना, तो कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो इस प्रोजेक्टर को सपोर्ट करती है वो डाउनलोड मत करना। पता नहीं आपके मोबाइल में क्या डाउनलोड हो जाए, क्योंकि ऑफिशियल सोर्स से नहीं है ना डाउनलोड करने का इस वजह से। तो कहने का मतलब सिंपल सी बात है कि आपको इसको फायर टीवी स्टिक या एंड्रॉइड बॉक्स के जरिए ही यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। अब दोस्तों बात आ जाती है कि इसको खरीदे या ना खरीदे। तो देखो सारी बातें मैंने आपको बता दी, क्वालिटी इसकी अपने को अच्छी मिलती है प्राइस के कंपेयर में। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका इतना अच्छा है नहीं, तो उसको तो लिस्ट में से अपन हटा ही देते हैं। बाकी बात रही कि इसके अंदर जो फीचर है वो भी अच्छे खासे अपने को मिलते हैं, और प्राइस इसके सबसे बढ़िया है। तो देखो यार, ये जो प्रोजेक्टर है ये 4699 रुपये का है, लेकिन अगर आप ये वाला कोड सोलो 200 यूज़ करते हो तो आपको ये प्रोजेक्टर 4499 रुपये में मिल जाएगा, यानी कि 4500 रुपये में आपको एक डिसेंट लेवल का प्रोजेक्टर मिल जाएगा। अगर आप पहली बार प्रोजेक्टर को यूज़ कर रहे हो ना, तो ये प्रोजेक्टर आपके लिए सही रहेगा। हाँ, अगर ये एक्स को आपको खरीदना है ना, तो आपको इतना सस्ता .com पे जाके खरीदना होगा, वहीं पर ये लिस्टेड है और आपको बहुत ही इफेक्टिव प्राइस में ये मिल रहा है, तो आप खरीद सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताना, और अगर इस चैनल पे भूले भटके पहली बार आ गए हो तो सब्सक्राइब कर दो यार, ताकि इस टाइप की वीडियो को आप रेगुलर देख सको।